स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर, और मैं हूं आपका अपना दोस्त अरविंद राणा। सो दोस्तों, हमारा ये कमरू नाग ट्रैक का सेकंड एपिसोड है और अभी हम पहुंचने ही वाले हैं कमरू नाग। लगभग यहां से 2 किलोमीटर दूर रह गया है, 2-2.5 किलोमीटर दूर है यहां से, तो पहुंचेंगे। और खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं बीच में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है यार ये, बहुत ही ज़्यादा लश ग्रीनरी वाला एरिया है सारा का सारा। बारिश हो रखी थी, धूप निकली हुई थी, पूरा क्लीन वेदर, फुल ऑन फ्रेश एयर और हाई एल्टीट्यूड में इतना सही सुहावना मौसम। और ये यहाँ पे चर रही हैं भैंसें, बहुत फेवरेट है मेरी। जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड में आते हो तो एक अलग सा जनजीवन हो जाता है। मतलब यहाँ पे गुजर कम्युनिटी के लोग थे और उनकी अपनी बहन से चल रही थी और ये यहाँ पे बच्चे वगैरह भी थे, कुछ अलग सा ही माहौल था इस जगह का यार। सो दोस्तों, देख सकते हो आप किस तरह ये भैंस का बच्चा एक छोटा सा इंजॉय कर रहा है सन बाथ को, साथ में पूल में है और इतने हाई एल्टीट्यूड में बहुत ही ज़्यादा सुकून से बैठा हुआ है। मतलब इनका भी अलग ही जीवन है यहाँ पे, ये यहाँ की रानी है। मतलब इन्होंने ही संभाला हुआ है जितना भी ये पहाड़। जहाँ पे भी जाओगे गुजर कम्युनिटी के लोग आपको मिलेंगे और हाई एल्टीट्यूड में, और उनकी ही भैंस जो भी है सब कुछ दिखेगा आपको। और दूध दही मक्खन की तो कोई कमी नहीं है पहाड़ों में, कहीं पे भी आपको खाने को मिल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर जहाँ पर ये लोग मिलके, तो अगर आप कहीं पे फंस भी गए हो तो ये बहुत हेल्पफुल लोग होते हैं, आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प कर देते हैं और आपको रहने को दे देंगे, खाने को दे देंगे। तो काफ़ी अच्छा एक बोलते ना कि माहौल, और मतलब हमारा ये है कि पब्लिक रिलेशन होता है इनके साथ, कि जैसे लोग इग्नोर करते हैं कि कोई भी आ गया चलो, ऐसा पहाड़ों में बिल्कुल नहीं होता। तो ये बच्चे बैठे हुए थे और इन्हीं की ये भैंसें थी और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। मतलब आप सोच सकते हो कि इतनी हाई एल्टीट्यूड में फ्रेश एयर में जब कोई बैठता है तो इंजॉय करता है नेचर को और कितना क्लोज होता है। और हमें मिल गया एक बहुत ब्यूटीफुल बाबा, ये कुछ अलग ही था फॉर्म में। इसका हेयर स्टाइल तो देखो जबरदस्त, ये इनका किंग है भाई, किंग। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुंचे हैं मंदिर के प्रांगण में, मतलब जो मंदिर की बाउंड्री है उस जगह पे, और ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। देख सकते हो कि यहाँ पे भैंसे भी चल रही हैं और ये सारा का सारा नज़ारा हाइट में, लगभग ये हाइट है 3000 मीटर एल्टीट्यूड की हाइट पे ये जगह, उससे भी अब है वहीं भी, और लच ग्रीन ये सारी की सारी जगह पे। तो दोस्तों, ये है देवभूमि। तो यहाँ पे कोई भी आप गलत हरकत करते हो तो आपको जो है आप सोचोगे कि पता नहीं लगेगा, तो ये रहा मंदिर का प्रांगण का रास्ता है जो देवी देवताओं बहुत ही ज्यादा आपको वही दंडित करते हैं। और यार उतना ही सुकून है इस जगह पे। खैर, पूरे हिमाचल में पूरे जितने भी पहाड़ है वहाँ पे सुकून तो होता है, लेकिन हर पहाड़ की एक अपनी खूबसूरती होती है और एक अलग पहचान होती है, और वही चीज हम देखने जा रहे हैं। और माना जाता है ये कमरू नाग का इतिहास भी उतना पुराना है, उसकी सारी की सारी जो भी इतिहास है वो भी, और पूरी स्टोरी मैं आपको पूरी बताऊंगा, तब तक बने रहे मेरे साथ। तो इस तरह का कुछ रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और देख सकते हो कितनी हरियाली और साफ सुथरी जगह है। प्लीज़ गाइज, आप भी यहाँ पर आएँ तो गंदगी ना मचाएं, क्योंकि ये जो है हमारी देवभूमि, ये जितनी खूबसूरत है अपनी खूबसूरती की वजह से ही जानी जाती है, तभी देवताओं का निवास स्थान बोला जाता है इस जगह को। तो आप देख सकते हो इस जगह को किस तरह की है ये, और मंदिर के प्रांगण में तो बिल्कुल भी यहाँ पे ड्रिंक वगैरह और अल्कोहल जो भी कितनी भी आपकी चीज़ें हैं जो नशे के पदार्थ हैं वो यहाँ पे ना लाएं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है इस जगह पे। सो हम पहुंच गए हैं मंदिर में फाइनली। मंदिर की जो लेक के नियर बाई है
और यहाँ पे आपको सराएं वगैरह भी अवेलेबल हैं और हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ड्यू टू दिस पैंडमिक आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। जो मेन मंदिर की जो मूर्ति है यहाँ पे कमरूनाथ जी की, आप बाहर से देख सकते हो और फ़ोटो लेना बिल्कुल वर्जित है, इसलिए मैंने भी कोई फ़ोटो नहीं लिए वहाँ पे, मैंने लेक के फ़ोटोज़ ले लिए। और तो इसी हिसाब से देख लो आप किस तरह की है यहाँ पे लेक, और इसमें है करोड़ों अरबों का सोना, हीरे जवाहरात जो बोल सकते हो, बहुत बड़ी लेक है ये। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो एक हमारे यहाँ पे राजस्थान में एक देवता हैं, उनकी भी मेरे को खाटू श्याम जी, उनसे इतिहास इस मंदिर का जुड़ा हुआ है काफ़ी बड़ी। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये महाभारत से टाइम से जुड़ी हैं, और माना ये भी जाता है कि जो पांडवों का सारा जो खजाना था सोना था, तो वो इसी ही मतलब इन्होंने यहाँ पे समर्पण किया था कमरूनाथ जी को, तो वो यहाँ पे ही है सारा का सारा। दोस्तों ये रही वो झील जो रहस्यमय झील है, बोलते हैं कि यहाँ पे करोड़ों और अरबों का खजाना इसी जगह पे दबा हुआ है, और लोग इसमें मन्नत जिनकी पूरी होती है वो इसमें सोना और चांदी पैसे कुछ भी रुपए वगैरह चढ़ा के अपनी मन्नत पूरी होती है, तो यहाँ पे वो श्रद्धा अनुसार चढ़ाते हैं जो उनकी मन्नत होती है। तो ये रहा मंदिर, और ये रहे हमारे पॉल साहब, ये बोल रहे हैं कि फ़ोटो ही लेने हैं बस मेरे भाई, मैं वीडियो बनाने आया हूँ, इतनी दूर आया हूँ, गोप्रो इनके हाथ में है, वीवो फ़ोन इनके हाथ में है, और मेरे को फिर छोटे से फ़ोन में मेरे को बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो बना दो। क्या चाहिए आपको फोटो इसको बोलो। एक स्टोरी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जिस टाइम पे यहाँ पे अंग्रेज शासन काल था, तो उन्होंने भी यहाँ पे आने की बात की, और उन्होंने मतलब इसको इससे सोना निकालने की जिद की। तो रात को वो यहाँ पे जैसे ही मतलब इन बिटवीन रास्ते में पहुँचे थे रोवांडा वाली तरफ से ऊपर चढ़ के, तो उनको रास्ते में ही मतलब उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया कि उनको वॉमिट और ये सब कुछ और हेडेक ये सब कुछ हुआ, और वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए और उनको यहाँ से जाना पड़ा। तो जिस आदमी ने भी यहाँ पे कोशिश की है कि यहाँ पे मैं सोना निकाल लूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये देवभूमि है भाई, मत भूलना। अगर आपको कोई नहीं देख रहा है अंधेरे में भी, तो आपको कोई दैव्य शक्ति, कोई सांप काट जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज हैं इस जगह में। चलो मनीष जी बताइए फिर यहाँ पे का इतिहास। जयदेव कमरूनाग। जय कमरूनाग की। ये है कमरूनाग जी का मंदिर, और ये एक रहस्यमय झील है, तो बोलते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारा खजाना है। ये वो काफ़ी बार यहाँ पर मतलब लोग क्या चोरों ने डकैती करने की कोशिश भी की है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ गलती हुआ है, और कभी कर नहीं पाए, सफल नहीं हुए। और बोलते हैं इसके अंदर कुछ गुफा भी है, कुछ बताते हैं ऐसा। और आज से 2 दिन पहले यहाँ मेला था, बट महामारी के चलते मेला नहीं हो पाया, प्रशासन के द्वारा मना कर दिया गया। और ये जो कमरूनाग जी हैं, ये एग्जैक्ट में जो हैं, ये बार्बरिक, आपने नाम सुना होगा महाभारत में, तो ये बार्बरिक हैं, ये हैं हडिम्बा माता के पोते और भीम जी के ये हैं, भीम जी के भी पोते हुए, हडिम्बा माता के भी पोते हुए, और साथ में अपना देव घटोत्कच जी के ये बेटे हैं। तो बार्बरिक एक ऐसे योद्धा थे, बहुत ही वीर योद्धा थे, अपने पिताजी की तरह, देव घटोत्कच जी की तरह, और ये इकलौते एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने पूरा महाभारत देखा था बैठ के। तो श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी लीला रची कि मतलब उन्होंने किसी और रूप में आकर, ब्राह्मण रूप में आकर बार्बरिक जी से मांग ले, क्योंकि ये क्षत्रिय थे, तो आपको पता ही है कि क्षत्रिय धर्म में उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो चीज़ मांगी जाती थी वो दे दी जाती थी, जैसे कुछ भी हो, सोना, हीरे, मोती, जेवरा, जान भी मांगो तो वो भी देते थे। तो वैसे ही श्री कृष्ण जी ने किसी और रूप में आके कुछ ऐसा बोला कि तुम अपना सर मुझे दे दो। तो सर इसलिए बोला बिकॉज ये एक ऐसे वीर योद्धा थे, ये जो थे कि इन्होंने ऐसा सोचा कि महाभारत में जब युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने पूछा किसी और रूप में आके कि तुम किसकी साइड लोगे युद्ध में, तो इन्होंने बोला कि जो हारेंगे उनकी साइड मैं लूँगा। तो कॉमन सी बात है कि हारने वाली टीम तो वही थी, कौरवों वाली। तो श्री कृष्ण बोलते कि ये कैसे हो सकता है, तो फिर श्री कृष्ण ने बोला कि अगर ये इनकी साइड ले लेंगे तो कौरव जीत जाएंगे।
तो कौरव ना जीते इसलिए श्री कृष्ण ने किसी और रूप में आके इनसे इनका सर मांग लिया। बिकॉज ये एक ऐसे योद्धा था कि पूरा तख्ता पलट सकते थे महाभारत का अकेले ही, तो इसलिए काफी वीर थे, शक्तिशाली थे। सो फिर इनका सर एक मतलब काफी हाइट पे रखा गया कुछ क्षेत्र में, जिससे कि ये ऊपर से एकदम हाइट पे बैठ के इन्होंने पूरा मतलब महाभारत देखा। तो बाद में फिर इनको जैसे गणपति जी को हाथी का सर लगा दिया था, वैसे ही इनको नाग का सिर लगाया गया, सर्प का। तो उसके बाद इनको मतलब कामरू नाग बोला गया, क्योंकि ये तो मनुष्य थे तो कामरू नाग का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके मतलब इनको सांप का मुंह लगाया गया सर जो है, सो कॉल्ड इनको कामरू नाग बोला जाता है। और जो मैंने बोला अब थोड़ा हो जाती है उटपटांग सी बातें, क्या करना है पता नहीं लगता है। थैंक्स ब्रो, थैंक्स, रियली थैंक्स फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और कुछ इस तरह की रहस्य में झीलें बोलते हैं कि काफ़ी ये सोने और चांदी, हीरे जवाहरात जितने भी बोल सकते हैं उन चीज़ों से भरी है। हमने भी लोगों को यहाँ पे सोना डालते देखा भी, और साथ में पैसे वगैरह जो रुपए वगैरह नोट हैं वो तो डाल ही रहे हैं लोग। ठीक है दोस्तों, हमारी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती है ये कमरू नाग ट्रैक की। और प्लीज़ सभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे आएँ तो गंदगी ना फैलाएं, दर्शन करें, शांति से बैठें। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आगे, एक सुकून से भरी ज़िंदगी है इस जगह पे। और आपकी मन्नत पूरी होती है, माना ये जाता है इस जगह में आके। और ये हमारे ग्रेट क्राउज, माई फ्रेंड, बहुत प्यारे हैं मेरे ये कौए। और एक बड़ा कौआ, ये नीला कौआ, कुंडा और छाछ, तुनशाला, जुवाल सरोवर के लिए रास्ता। रास्ता और हम आए थे चौकी वाले रास्ते से, तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडर रोहांडा वे। सो ये जो रास्ता है दोस्तों, ये है माता जालपा के लिए, उनका मंदिर है। तो नेक्स्ट टाइम कभी हम कवर करेंगे, क्योंकि आज मौसम हो गया खराब। और बाय, टेक केयर, और प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर देना जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं। सो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है इस जगह पे, और देख सकते हो जैसा कि आप, इतना घना जंगल है यार, और इतना ही सुंदर है। बोलते जहाँ पे खूबसूरती होती है वहाँ पे खतरा भी ज़्यादा होता है, उसी की तरह यहाँ पे हमें अभी दिखे बड़े बड़े लंगूर काफ़ी बड़े लंगूर हैं यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। ये है हरियाली, ये है हमारा हिमाचल, देवभूमि हिमाचल। ऐसे ऐसे सुंदर रास्ते हैं यहाँ पर दोस्तों। ये है रोंडा वाली तरफ से आते हो तो ये आपको रास्ता दिखता है, मतलब जो मंदिर परिसर से स्टार्ट होता है बिगनिंग, तो यहाँ से है वो। तो दोस्तों हम दूसरे रास्ते से आ रहे हैं, तो ये उस टाइम पे जो बादल दिख रहे हैं आपको, यहाँ से हम आए हुए हैं। ये पहाड़ी पूरी क्रॉस बैक, इसकी बैक साइड से। ओके, और जो नीचे रोड दिख रहा है आपको वहाँ पर, ये रास्ता है दूसरा। और ये भी बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन इसकी जो चढ़ाई है वो एकदम खड़ी है। दोस्तों हम वापस एक बार फिर रोहांडा पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो है चौकी में गाड़ी। यहाँ से कितनी, 7-8 किलोमीटर दूर है वो जगह भी, तो हमने यहाँ से जाना है। माइट भी हमें बस मिल जाए या कोई लिफ्ट मिल जाए, देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी इंजॉय किया इस जगह को, बहुत ज़्यादा लश ग्रीनरी है इस जगह पर, और काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है। थोड़ा गंदगी है रास्ते में क्योंकि लोगों ने, तो आपको पता ही है, कितना भी समझा लो फिर भी वैसा का वैसा ही है। तो दोस्तों, ना हमें बस मिली ना गाड़ी मिली, और हमें पैदल ही चौकी तक, रूहांडा से पैदल जाना पड़ा 7 किलोमीटर की दूरी तक, और बहुत बुरी हालत हो गई। लगभग हमें 21 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे आज हम पूरा। तो ये रहा दोस्तों रास्ता जो कमरू नाग के लिए है, और यहाँ से भी है। काफ़ी रास्ते हैं, मतलब 4-5 रास्ते हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से। जो हम जिस रास्ते से हम आए हैं वो है चौकी का रास्ता,